गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं मिसेस कीर्ति आपको आपकी होम साइंस की बुक का सेकंड प्रैक्टिकल स्वयं द्वारा अनुभव किए गए मनोभाव के बारे में आज आपको बताऊंगी। क्लास 11 की एनसीईआरटी की बुक में सेकंड प्रैक्टिकल है ये, जिसमें कि आपको अपने मनोभाव यानी कि जो आपके फीलिंग्स हैं, जो आपके इमोशंस हैं, वो आपने रिकॉर्ड करने हैं। इसमें आपने क्या करना है कि आपने सुबह अपने पास एक पेन और नोटपैड लेकर के रखना है, और आपको जब कोई आपके जो जो भी दिन भर में इमोशंस हैं वो आपने नोट डाउन करने हैं। तो उसके लिए आपको ये टेबल दी गई है, जिसमें कि आपने क्या करना है कि आपने देखना है दिन के कौन से टाइम पे आपको कौन सा संवेग यानी आपका क्या इमोशन रहा वो आया, और वो इमोशन आपको क्यों आया, किस स्थिति या संदर्भ में आया, यानी कि वो क्या सिचुएशन थी जिस वजह से आपको उस इमोशन की फीलिंग हुई है। तो वो वाली आपने सिचुएशन यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आपको खुशी हुई, या आपको गुस्सा आया, या आपको इरिटेशन हुई, या आपको जेलेसी हुई, या कोई भी आपको फीलिंग हुई, कोई इमोशन आया, वो किस लिए आया। फिर उसके साथ नेक्स्ट पॉइंट है आपका संवेग अनुभव करने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, यानी कि आप अपना बताएंगे कि क्या वो आपका इमोशन आना आपको लिए ठीक था, सही इमोशन एक्सप्रेस किया आपने, आपको ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, और हमें अपने इमोशन को किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। अगर वो गलत इमोशन था तो उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और उसे क्या हम कंट्रोल कर पाए। अगर गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, हमने कोई चीज़ तोड़ फोड़ दी, या फिर किसी को थप्पड़ लगा दिया, या रोने लग गए, तो कोई भी ऐसा इमोशन था तो क्या हम उसे कंट्रोल कर सकते थे, या हम कर पाए या नहीं कर पाए। तो अपनी आपने उसके ऊपर टिप्पणी देनी है कि अगर आप वो इमोशन ना एक्सप्रेस करते तो उसकी जगह क्या करते। तो ये सारी बातें आपने अपने एक इस प्रैक्टिकल में करनी है कि ताकि आपको अपने ऊपर आपके कौन कौन से इमोशंस हैं, किस टाइम पे आपको कैसे इमोशंस आते हैं, और आप उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हो, और कई सिचुएशंस में उसकी जगह पर आप उसकी जगह दूसरा कौन सा इमोशन यूज़ कर सकते हो, और अपनी सिचुएशन को अपने लिए फेवरेबल कैसे बना सकते हो, यानी कि अपने हक में कैसे बना सकते हो। तो इसके लिए हमें अपने आप को जानना ज़रूरी है। जब हम अपने इमोशंस को जानने लगते हैं तो हम अपने आप को जानने लगते हैं, तो ये हमें अपने स्वयं को पहचानने में एक दूसरी मदद करेगा। तो इसके बाद बेटा आपने नीचे लिखना है कि आपने अपने इमोशन को सही से कंट्रोल किया या नहीं किया, और अगर आप उसको उस इमोशन को उस तरह से ना एक्सप्रेस करते, उस संवेग को किसी और तरह से एक्सप्रेस करने के आपके पास क्या क्या सॉल्यूशंस थे। ठीक है बेटा, ये प्रैक्टिकल आपका सेकंड है जो आपने प्रैक्टिकल की फाइल में करना है, पेजेस में।